हेलो दोस्तों, चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम चर्चा में रहे सोशियो इकोनॉमिक्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट देख लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, पहला है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2018। इसे वर्किंग ऑफ आवर्स में इंसानों का योगदान देखते हैं इसमें। आपको बता दें 71% अभी है करंट में, 2025 तक 48% रहेगा। अगला है फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट 2018। WEF ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ने जारी की है, भारतीय कंपनियों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक वरीयता दी जाती है। अगली है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसमें भारत को 98 स्थान मिला है, 58 जर्मनी को थर्ड, यूएसए को फर्स्ट और सिंगापुर को सेकंड। याद रखिए यूएसए फर्स्ट पे, सिंगापुर सेकंड, जर्मनी थर्ड पे, चाइना को 28वां और ब्राजील को 72वां। अगली देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018, भारत को 108वां मिला है। इसमें आधार रखे हैं भारत आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तर जीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। आइसलैंड को फर्स्ट स्थान पर आया, नॉर्वे दूसरे पे, स्वीडन तीसरे पे, फिनलैंड चौथे पे। अगला देखते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019, भारत को 77वां मिला है, अमेरिका 8वां और चीन 46वें पे, पाकिस्तान 136वें पे। इसकी थीम रही ट्रेंडिंग फॉर रिफॉर्म, टॉप थ्री में न्यूजीलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क। अगली देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019, शीर्षक है इसका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट डार्कनिंग स्काई, भारत जीडीपी वृद्धि दर है 7.3 मापी गई, आने वाले 2 सालों में रहेगी 7.5 अनुमान लगाया गया। अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी की जाती है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय आर्थिक समृद्धि 7.5% रही है, 2020-21 में 7.7 रहने की उम्मीद है। अगली है UN SDG रिपोर्ट 2018, UN द्वारा जारी की गई, वैश्विक कुपोषित लोगों की संख्या में 38 मिलियन का इजाफा, जलवायु परिवर्तन से 2017 में 30 मिलियन बिलियन का वार्षिक नुकसान मापा गया इसमें। अगली बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन मॉनेटरी रिफॉर्म 2019 यूनेस्को द्वारा, रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट एंड एजुकेशन बिल्डिंग विजिज नॉट वॉल्स। अगली बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019 UN के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स द्वारा जारी की गई, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में 7.6 और 2020 में 7.4 मापी अनुमानित की गई। अगली बात करते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट NGO प्रथम द्वारा जारी की गई, 596 ग्रामीण जिलों को इसमें शामिल किया गया, 5.46 लाख बच्चों को जो 11th में, 5th क्लास में 50.5% ऐसे हैं जो बच्चे 2nd क्लास का पाठ पढ़ पाते हैं, 15 से 16 वर्ष 13 के बच्चे 13.31 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, थी मुख्य इकोनॉमिक्स रिपोर्ट।